गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो फ्रेजेस लेके आया हूं, दो विवर्स के फ्रेजेस हैं। समझते हैं, बहुत ही अनकॉमन फ्रेजेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है, जिसको बोलकर आप अपनी इंग्लिश को सचमुच में डेकोरेटिव, अफेक्टिव और इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक रहें, उसकी एक एक बात को समझिए, सेंटेंस मेकिंग को समझिए, उसके बाद बोलने की कोशिश करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जो हमारी इंग्लिश को डेकोरेटिव, अफेक्टिव, इंप्रेसिव बना देगी और हमारी भाषा में चार चांद लगा देगी। दोस्तों, तो प्लीज डोंट क्विट माय वीडियो ऑन द वे। यस, कैरी ऑन। पहला वर्ड है दोस्तों, व्हाट इज व्हाट, जो मुझे विजय तिवारी ने पूछा था। ऑफ द मार्क, जो मुझे अजीत मौर्य ने पूछा था। अब ये दोनों वीवर्स के डाउट हम लोग समझते हैं, वीवर्स के फ्रेजेस को हम लोग समझते हैं, किसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। पहला है व्हाट इज व्हाट। What is what का मतलब होता है अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द सिचुएशंस, सभी स्थिति को समझना, सारी बातों को समझना, सभी स्थिति को समझना, क्या सही है क्या गलत है ये पता लगाना, सारी बातों का ज्ञान रखना, तब हम लोग बोलेंगे what is what। मुझे सारी बातें पता है, आई नो what इज what। यस, आई नो what इज what, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। सेंटेंस, आई हैव टॉट इन दिस स्कूल फॉर 20 years, सो आई नो what इज what। I have taught in this school for 20 years, so I know what is what। मैंने इस स्कूल में 20 साल पढ़ाया है, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। मैंने इस स्कूल में 20 साल पढ़ाया, इसलिए मुझे सब कुछ पता है, मुझे क्या सही है क्या गलत है, सारी स्थितियों के बारे में मुझे ज्ञान है, क्योंकि मैं यहां 20 साल अपने आप को दे चुका हूं। बिल्कुल सही है दोस्तों। When you don't know what is what, जब तुम्हें क्या स्थिति है यह पता नहीं है, जब तुम्हें क्या सही है क्या गलत यह पता नहीं है, प्लीज डू नॉट मेक एनी कॉमेंट्स। तो कृपया कोई टिप्पणी ना दें, कृपया कोई कॉमेंट ना करें। जब तुम्हें वॉट इज वॉट पता नहीं है तो प्लीज डोंट मेक एनी कॉमेंट्स। कितना बढ़िया फ्रेज था दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, शायद पहली बार सुना होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑफ द मार्क। ऑफ द मार्क का मतलब हो रहा है इन एक्यूरेट, रॉन्ग, नॉट क्वाइट एग्जैक्टली, ये इंग्लिश में इसकी मीनिंग है। हिंदी में देखते हैं गलत, पूरी तरह सही नहीं, गलत या पूरी तरह सही नहीं, जब बोलना है तब आप लोग ऑफ द मार्क कह सकते हैं। ऑफ में डबल एफ है, सिंगल एफ नहीं है, ध्यान देंगे। मे बी माई आंसर इज अ लिटिल ऑफ द मार्क, मे बी माई आंसर इज अ लिटिल ऑफ द मार्क, हो सकता है कि मेरा जवाब थोड़ा गलत हो, हो सकता है कि मेरा जवाब बिल्कुल सही ना हो, थोड़ा गलत हो, ऑफ द मार्क आ रहा है दोस्तों। ही वॉज ऑफ द मार्क, वह गलत था। ही वॉज ऑफ द मार्क When he said, जब उसने कहा I would not get success, कि मैं सफलता नहीं पाऊंगा। I would not get success, मैं सफलता नहीं पाऊंगा। दोस्तों, would क्यों किया गया, क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट है, ये अगर पास्ट होगा तो अगले वाले को हमको पास करना पड़ेगा। विल का यहां पर would किया गया है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मजेदार था, ज्ञानवर्धक था, आपको भी मजा आया होगा। तो दोस्तों, इसको समझिए, इसको समझें, उसके बाद बोलने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करने के बाद बोलने की कोशिश करें। ओके दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके डाउट के साथ और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।